नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी ललितपुर से मैं रवि चुनगी और मैं मौजूद हूं ललितपुर के वीर सावरकर चौक स्थित दिगंबर जैन अटा मंदिर जी में, जहां पर भारतीय जैन संगठना के पदाधिकारी आए हैं समाज और जनहित की बात करने। और मैं संगठन के कार्यकारिणी सदस्य मनोज जैन से आपकी वार्ता कराता हूं और उन्होंने ललितपुर में आकर आज क्या किया और भविष्य में क्या करेंगे। मनोज जी, आप बताएं, आपका संगठन इस ललितपुर की धरा पर आकर क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे? जय जिनेन्द्र, यहाँ पर आज भारतीय जैन संगठना की हमारी टीम आई है, जो जैन समाज की एक समाज सेवी संस्था है, और हम यहाँ समाज सेवा के कार्यों को समाज के मध्य लेकर आए हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की जो रोज़ की समस्या, उन पर कार्य करें, जैसे शिक्षा, उस पर हम कार्य करेंगे। साथ ही में हमारी बेटियाँ, आज जो पढ़ी लिखी बेटियाँ बाहर जा रही हैं, उनका हम सशक्तिकरण करने के लिए एक कार्यक्रम है, स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम, 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक की कुंवारी लड़कियों के लिए, उस कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पर करेंगे। आज व्यापारियों को बदलने की ज़रूरत है, नए तरीके से आने की ज़रूरत है उनके लिए। बदलोगे तो बढ़ोगे, जैसे वर्कशॉप्स यहाँ लगाने की बात है। जैन समाज अल्पसंख्यक समाज हो चुका है, उसके लाभ अभी तक हम तक नहीं पहुँच रहे हैं। कैसे पहुँचें, वो सब दिशा निर्देश देने की बात बताएंगे। जनसंख्या 2021 में हम कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बात करें, उस पर भी
हम सब चर्चा करेंगे इस तरह के कार्यों को ललितपुर में आगे गति प्रदान करना है। जैसा कि आपको भाई मनोज जी ने बताया कि वो ललितपुर में आकर राष्ट्र धर्म और समाज के लिए क्या करेंगे, उन्होंने BJS भारतीय जैन संगठन के माध्यम से हमारे शहीद हुए हमारे जवानों के प्रति भी अपने दो शब्द कहने का भाव रखा है। बिल्कुल, एक ऐसी घटना है जो दिल दहलाने वाली घटना है, और 14 तारीख को जैसे ही ये समाचार सुना दिल दहल गया, और अब बस मन में यही करता है बस अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो पाए। धन्यवाद। मैं आपको परिचय करा था मनोज जैन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जैन संगठन से, और आगे की जानकारी भी इसी तरह आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।